हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जितने भी जानकारियां आती है सबसे पहले हम आपके पास अपडेट दे देते हैं। इसी बीच बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एक और नई रिक्रूटमेंट, एक और नई जो वैकेंसी थी उनकी रिजल्ट की डेट यहाँ पर आ चुका है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग हम आपके वीडियो में जानकारी देने के लिए आ चुका हूँ। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये जो रिजल्ट है वो किन पोस्टों के लिए और ये रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे। पूरा डेट कन्फर्मेशन के साथ इस नोटिस में जारी किया गया है, तो बिल्कुल सारे कैंडिडेट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिजल्ट का डेट कब तक दिया गया। कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिस पर चलिए सबसे पहले और जानकारी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन देख सकते हो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो BTSC के द्वारा, और इसमें लिखा गया है, गौर से देखिएगा, परीक्षक सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना सेवा में श्री सुजीत कुमार एवं अन्य ग्राम सलेमपुर पोस्ट रडोई जिला नालंदा, यानी कि इस कैंडिडेट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजल्ट कब तक प्रकाशित कर रहे हैं। तो इन्हीं को ये जवाब दे रहे हैं BTSC कि रिजल्ट कब तक जारी करेंगे। ये रिजल्ट के जो बात किया जा रहा है BTSC के द्वारा 1/2019 विज्ञापन संख्या, जो कि जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग है, यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी 2019 के अंतर्गत ही आए थे लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उन्हीं के बारे में इसमें जानकारी दिया गया। मैं क्लियर बता दूं कि ये जो रिजल्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि उक्त कार्रवाई माह अक्टूबर 2022 तक पूर्ण होने के पश्चात अविलंब नए सिरे से कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित किया जा सकेगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अक्टूबर 2022 के पूर्ण हो जाएगा। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी काउंसलिंग हुआ है और काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अक्टूबर माह तक हो जाएगा। जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर माह तक हो जाएंगे उसके पश्चात आपको मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भी क्लियर नहीं है डिपार्टमेंट कि कब तक जारी करेंगे, सिर्फ अक्टूबर 2022 के बाद कर रहा है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किया जा सकेगा लिखा है, कंफर्म नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी था। बाकी डिपेंड पड़ता है डिपार्टमेंट पर कि BTSC कब तक इस पर यानी कि जवाब देता है और कब तक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। चलिए, कोई और नई जानकारी आएगी तो सबसे पहले हम आपके पास अपडेट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।